अब हम जानते हैं व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर। व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का विश्लेषण होता है, यानी कि प्राइस थ्योरी का विश्लेषण होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन होता है। राष्ट्रीय आय मतलब नेशनल इनकम और रोजगार मतलब अध्ययन। तो यहाँ पे पूरे देश का आय और पूरे देश की रोजगार का अध्ययन होता है। दूसरा जो अंतर है वह यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन, आय वितरण परिवर्तनशील होता है, ठीक है, यानी कि ये बदल सकता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार, उत्पादन और आय वितरण स्थिर होता है। तीसरा अंतर, छोटी मूल इकाइयों का अध्ययन व्यष्टि अर्थशास्त्र में होता है, जैसे एक व्यक्ति, एक फर्म इत्यादि, जबकि पूरे देश के व्यक्तियों, पूरे देश के फर्म, पूरे देश के औद्योगिक इकाइयों को समष्टि अर्थशास्त्र का विषय माना जाता है। चौथा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र समग्र का एक अंश होता है, यानी कि पूरे का एक अंश होता है। अगर हम हाथी का उदाहरण लें तो हाथी के जो अलग अलग पार्ट्स हैं, यानी कि जैसे कि उसका सूंड हो गया, उसकी आंखें हो गई, तो ये अलग अलग अंश हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें समग्र का एक अंश का अध्ययन होता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समग्र का अध्ययन होता है, यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम लोग पूरे हाथी के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हाथी हो गया समष्टि अर्थशास्त्र। पांचवा जो अंतर है वह यह है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत का विश्लेषण किया जाता है। कीमत सिद्धांत मतलब प्राइस थ्योरी का विश्लेषण किया जाता है। और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, समष्टि अर्थशास्त्र में राष्ट्रीय आय और रोजगार का अध्ययन होता है। छठा अंतर है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में अगर कीमत का निर्धारण करना है तो अन्य चीज़ें उन्हें प्रभावित नहीं करेगा, जैसे कि मौसम हो गया, मांग हो गया, ये चीज़ें कीमत को प्रभावित नहीं करेगा, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में समान संतुलन के आधार पर कुल मूल्य और उत्पादन को विभिन्न बाजार के परस्पर निर्भरता पर बल दिया जाता है। सातवां जो अंतर है वह यह है, व्यष्टि शास्त्र में हम व्यक्तिगत कल्याण की बात करते हैं, ठीक है, और समष्टि अर्थशास्त्र में हम पूरे समाज की कल्याण की बात करते हैं। तो आशा है आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस चैप्टर से कोई भी अगर डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।